आधी रात का वक्त बीत चुका था। हवा बेहद ठंडी थी और बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और चारों तरफ घना जंगल था। और इस वक्त डैनियल की गाड़ी आधी रात के समय उस सुनसान हाईवे से अकेली गुजर रही थी। अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। ओह माय गॉड, अब ये क्या नई मुसीबत है। डैनियल ने ये वाक्य बोले ही थे तभी बादलों के गड़गड़ाहट की आवाज के साथ जोरदार बिजली चमकी और डैनियल के पैर अचानक से ब्रेक पर पड़ गए। गाड़ी एक झटके में रुक गई और डैनियल का दिल कांप कर रह गया, क्योंकि उसने चमकती हुई बिजली की रोशनी में अपने कार के सामने खड़ी लड़की को देखा था। डैनियल एक ही झटके में कार से बाहर निकलकर यहाँ वहाँ देखने लगा। तभी उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। सुनिए, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? डैनियल ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो उसके सामने एक खूबसूरत और जवान लड़की खड़ी थी। अरे, आप कौन हैं? और इतनी रात गए इस वीरान हाईवे पर तन्हा क्या कर रही हैं? मेरा नाम मरिया है, मैं यहाँ पास में ही रहती हूँ। यहाँ नजदीक में? मगर यहाँ तो दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं है। नहीं, यहाँ करीब में ही एक छोटा सा गांव है जहाँ मेरी दोस्त रहती है। फिलहाल मैं वहीं ठहरी हुई हूँ। अचानक बारिश रुक गई और मौसम सामान्य हो गया। डैनियल हैरान हो गया और वो बोला, कमाल है, इतनी जल्दी मौसम दुरुस्त हो गया लगता है। ऊपर वाले को आपके ऊपर रहम आ गया। आइए बैठिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो लड़की डैनियल के बगल की सीट पर बैठ गई। उस लड़की ने कहा, गाड़ी दाएं तरफ ले लीजिए। डैनियल ने गाड़ी उस रास्ते पर मोड़ ली के बाद डैनियल को गाड़ी की हेडलाइट के सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई दिया। ये तुम कहाँ ले आई? यहाँ तो कोई घर नहीं दिखाई दे रहा। गाड़ी रोक दीजिए। डैनियल ने गाड़ी रोक दी। उस लड़की के साथ डैनियल भी गाड़ी से बाहर आ गया। घर से देखिए, ये तो बहुत पुराना क्रिश्चियन कब्रिस्तान है। तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। हाँ, सही कहा तुमने, बरसों से मैं अकेली रह रही हूँ, लेकिन अब तुम भी मेरे साथ रहोगे। डैनियल की नजर जैसे ही मारिया पर पड़ी तो वो कांप कर रह गया। मारिया की सूरत बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर खाल ही नहीं थी, खाल की जगह एक बड़ी सी मकड़ी बैठी हुई थी जो कि मारिया का गोश्त खा रही थी। उसकी आंखों से काली पुतलियां गायब थी। काली पुतलियां बिल्कुल सफेद हो चुकी थी और हाथ की जगह नुकीले पंजे थे। उसके मुंह से दो बड़े बड़े भेड़िए जैसे पैने दांत बाहर निकल आए। डैनियल को अपने बचाव का मौका ही नहीं मिला। डैनियल की जोरदार चीख पूरे जंगल में गूंज गई और वो जमीन पर गिर गया। दूसरे दिन मसूरी में डैनियल की मौत पे ही चर्चा हो रही थी। उसकी लाश भी उस पुराने जंगल के कब्रिस्तान के पास मिली थी। ये इस महीने की छठवीं घटना थी। डैनियल के फ्यूनरल में बूढ़े फादर डिकोस्टा और मसूरी के पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर विजय भी थे, जिन्होंने अभी नई नई ड्यूटी ज्वाइन की थी। ये इस मसूरी में छठा कत्ल है इंस्पेक्टर, आप अभी तक कातिल को पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। अरे फादर, मेरा ट्रांसफर इसी वजह से यहाँ किया गया है। मैं जरूर उस सीरियल किलर को पकड़ लूंगा। मैं कई बार कह चुका हूँ कि ये काम किसी शैतान या चुड़ैल का है। तुमने डैनियल की लाश को देखा? इतनी बेरहमी से कोई इंसान कत्ल नहीं कर सकता। हर 30 साल बाद मसूरी में ऐसे हादसे होते रहते हैं। अभी आप एक लाश के लिए और तैयार रहिएगा। अरे फादर, आप कहना क्या चाहते हैं? अरे वही जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, हर 30 साल बाद वो चुड़ैल अपने कब्र से निकलती है और 7 इंसानों का खून पीती है। इससे उसको ताकत मिलती है और अब उसका खात्मा होना जरूरी है। अरे मैं इन बातों को नहीं मानता फादर, और मैं अब खुद जाकर ही देखूंगा कि कौन सी चुड़ैल है। ये गलती हरगिज नहीं करना माइसन। अरे नहीं फादर, मैं आपको गलत साबित करके रहूंगा और ये साबित करके रहूंगा कि कातिल कोई सीरियल किलर है। नो माइसन, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर फादर विजय के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। शाम के वक्त इंस्पेक्टर विजय की गाड़ी उसी हाईवे पर चल रही थी।
अचानक इंस्पेक्टर की नजर हाईवे पर चल रहे एक शख्स पर पड़ी। उसके चलने का अंदाज बेहद ही अजीब था। अरे फादर, इतने वीरान हाईवे पर ये कौन है और चल कैसे रहा है? सुनो जनाब, कौन हो तुम और तुम चल कैसे रहे हो? क्या तुम्हारे पैरों में तकलीफ है क्या? अचानक से मौसम बदल गया। देखते देखते आसमान में घने काले बादल छा गए और हवा तूफानों जैसी तेज हो गई। अरे ये मौसम को अचानक क्या हुआ? विजय की बात सुनकर जैसे ही उस शख्स ने अपनी शक्ल विजय की तरफ की, विजय के तो होश ही उड़ गए। वो डैनियल था। विजय की रूह कांप उठी। विजय ने देखा कि डैनियल की शक्ल पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो विजय को घूर रहा था। अचानक ही फादर विजय के करीब आ गए और उन्होंने क्रॉस आगे कर दिया और उसके बाद डैनियल गायब हो गया। हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। यहाँ खतरा ज्यादा है। विजय तुरंत गाड़ी के अंदर बैठ गया और उसने गाड़ी मोड़ने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। विजय ने फादर की ओर देखते हुए कहा, अरे फादर, अब क्या करें? आप सही कहते थे। मुझे तो लगता है कि आज हम दोनों की बारी है। नहीं माइसन, मैं एक रास्ता जानता हूँ। मौसम जब तक दुरुस्त नहीं हो जाता, हम वहाँ महफूज रहेंगे। अरे ये तो कब्रिस्तान है। तुमने सही कहा माई चाइल्ड, ये वही कब्रिस्तान है जहाँ पर 6 लोगों का खून हुआ है। कल रात डैनियल भी यही मरा था। फादर की बात सुनकर विजय को 440 वोल्ट का झटका लगा। उसने देखा कि फादर की शक्ल का रंग भी बदल चुका है। विजय की सांसें उसकी हलक में अटकने लगी। अचानक विजय को जमीन हिलती हुई महसूस हुई और एक बहुत तेज धमाका हुआ। सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि विजय समझ ही नहीं पाया कि अचानक उसकी आंखों के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है और वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। मगर अचानक ही उस लड़की की शक्ल बहुत भयानक हो गई और विजय बेबसी की आलम में फादर की तरफ देखने लगा। इस वक्त फादर किसी शैतान से कम नहीं लग रहे थे। फादर ने विजय से कहा, मुझे माफ करना माई सन, आखिरी शिकार तुम ही हो। मारिया को आज तुम्हारा खून पीना बहुत जरूरी था, इसलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर लाना पड़ा। अरे ये कैसी बात कर रहे हो फादर? आप तो फादर हैं, आप शैतानों वाली हरकत कैसे करने लगे? फादर ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो। आज से 23 साल पहले मेरी बेटी मारिया को कुछ लोगों ने मार डाला था। मैंने तभी से शैतान के साथ समझौता कर लिया था, मगर उसके समझौते में एक शर्त शामिल थी। मारिया को 2 बार हर 30 साल के बाद 7 जवानों का खून पीना पड़ेगा और फिर वो लाफानी हो जाएगी और मैं भी। इतना कहकर फादर ने मारिया की तरफ देखकर कहा, अब देर मत करो मारिया, सुबह होने से पहले तुम्हें इसका खून पीना है, वरना तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। शैतान हम दोनों से नाराज हो जाएगा। मारिया जैसे ही विजय की तरफ बढ़ी, विजय ने अपनी जेब से गोल्डन कलर का क्रॉस निकाल लिया और अपनी जबान से कुछ बड़बड़ाने लगा। क्रॉस को देखते ही मारिया पीछे की तरफ भागने लगी। चर्च को शक हो गया था फादर, इन सब कत्ल में कहीं न कहीं तुम्हारा ही हाथ है, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने पुलिस बनने का नाटक करना पड़ा। मैं भी एक फादर हूँ और तुम भी एक फादर, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ और तुम शैतान के। अब तुम दोनों का खात्मा होना बहुत जरूरी है। इतना कहकर विजय ने उस क्रॉस को मारिया के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते मारिया की चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज गई और बस कुछ ही पलों में वो जलकर राख हो गई और फादर का भी वही हाल हुआ और अब उस कब्रिस्तान में अकेला विजय ही रह गया था। शायद मसूरी में हो रही हत्याओं का सिलसिला अब थम चुका था।